हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम आपके लिमिट और कंटिन्यूटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और फर्स्ट जो आपकी बुक की एक एग्जाम्पल से ही आज हम स्टार्ट करेंगे, तो वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि एफ जेड और जी जेड, ये प्रीवियस लेक्चर में बताना था, शायद हो सकता है बता दें, मैं इसको रिपीट भी करवा रहा हूँ। यदि दोनों जेड इक्वल टू जेड नॉट पर क्या है, संतत है। यदि एफ जेड और जी जेड दोनों संतत है, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ जेड प्लस जी जेड एंड एफ जेड डॉट जी जेड भी दोनों के दोनों क्या होंगे, संतत होंगे। हाँ, जेड नोट के ऊपर ही ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यदि एफ जेड, यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यदि एफ जेड और जी जेड दोनों के दोनों, यदि एफ जेड और जी जेड दोनों के दोनों संतत हैं, इस पे तो जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल के संगत ये मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाई टू एंड जी जेड माइनस जी जेड नॉट भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, ऐसा स्टूडेंट लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। बस समझ आई इतनी, कोई डाउट है? यानी हम क्या कर सकते हैं, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट और जी जेड माइनस जी जेड नोट दोनों को लेस देन एप्सिलॉन बाई टू ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। हमें इतनी सारी बातें गिवन है, दी गई है। अब जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमें प्रूव करना है कि एफ जेड प्लस जी जेड माइनस, मैं लिखूंगा एफ जेड नोट प्लस जी जेड नोट, यदि मैं इसे लेस देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाय टू या टू एप्सिलॉन जैसा सिद्ध कर दूं, तो आप बताइए क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो जाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए, आराम से सोचिए स्टूडेंट, और ये बताइए कि यदि मैं ये प्रूव कर दूं कि एफ जेड प्लस जी जेड माइनस एफ जेड नोट प्लस जी जेड नोट ये लेस देन एप्सिलॉन सिद्ध कर दूं, तो क्या ये कंटिन्यूस नहीं हो जाएगा क्या? तो कई बच्चों, बात समझ आई है? नहीं आई भाई, प्रोसेस तो समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हमें क्या करना है, इसको कुछ ऐसा नहीं लिख सकता क्या मैं, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट प्लस जी जेड माइनस जी जेड नोट जैसा कुछ लिख सकता हूँ या नहीं? ये जवाब दीजिए, लिख सकता हूँ या नहीं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ऐसा लिखा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, इसको यदि मैं अलग अलग मोड में कर दूं, यदि इसको मैं अलग अलग मोड के अंदर लिख दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, फिर लेस इक्वल का आ जाएगा। यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, लेस इक्वल का, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे सिर्फ लेस लगाता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू, आपको सर इक्वल क्यों हटा दिया, क्योंकि ये एप्सिलॉन बाई टू से लेस है, तो इसके जिन आएगा तो वो छोटा ही हुआ ना, उससे इक्वली थोड़ी ना रहेगा फिर, क्योंकि हम तो उससे बड़ी संख्या वहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई टू, तो ये हो गया एप्सिलॉन, हो गया सिद्ध। यानी जो आपका एफ जेड प्लस जी जेड है, वो भी जेड नोट पर संतत है। अब एक बात है स्टूडेंट, आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है, ऐसा कहीं पढ़ा है क्या आपने? तो याद आना चाहिए, आपने सेकेंड ईयर में ऐसा पढ़ा है, आपने जो सेकेंड ईयर के अंदर कंटिन्यूटी का जो टॉपिक आपने पढ़ा था, और वो भी दो तरीके से पढ़ा है, एक तो कन्वर्जेंसी के अंदर, अभिसरण सिद्धांत जो आपका टॉपिक था, बुक थी, उसके अंदर आपने पढ़ा है, और जो उच्चतर कलन है उसके अंदर भी आपने इसी प्रोसेस को पढ़ा है। तो फिर अब यदि याद आया हो, तो एफ जेड जी जेड को भी मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, थोड़ा समझना है हमें, इसको ऐसे लिखना होगा एफ जेड नोट डॉट जी जेड नोट, ठीक है। इसे आपको लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है, तो इसके इक्वल इसे इन दोनों में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए ध्यान से समझिए, इस फंक्शन को
इन दोनों के जैसा बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, यानी एफ जेड जी जेड मुझे चाहिए माइनस का एफ जेड नोट। एफ जेड नोट तो मैंने लगा दिया, लेकिन जी जेड को भी तो कॉमन लेकर हटाना पड़ेगा, तो जी जेड नोट जी जेड और लगा दो, तो इसको ऐड कर दिया और इसको माइनस कर दिया। ठीक है, आपका कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। अब इन दोनों को अलग अलग मोड में लेके लेस इक्वल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ जेड सॉरी यहाँ पे यदि मैं जी जेड कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर आएगा एफ जेड माइनस एफ जेड नोट प्लस, अलग अलग मोड में कर दिया मैंने पहले ही से। यहाँ पे यदि मैं एफ जेड नोट कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा जी जेड माइनस जी जेड नोट। बस समझ आ गई होगी इतनी, या कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है क्या, समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों सारी की सारी प्रोसेस आपकी पहले पढ़ी हुई है, कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे मिलते जुलते ही प्रोसेस सेम टू सेम ये पढ़ी हुई है, बस यहाँ पे जेड आ रहा है वहाँ पे एक्स था। ठीक है, तो आप जैसा मोड में जानते हो कि मोड के अंदर एक्स डॉट वाई को मोड एक्स डॉट मोड वाई भी लिखा जा सकता है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर, इसको कुछ ऐसा लिख दो फिर, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट प्लस एफ जेड नोट जी जेड माइनस जी जेड नोट। अब आप सब जानते हो ये दोनों जो वैल्यू हैं वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, तो इनकी जगह ये यूज करो, तो यहाँ पे इक्वल का जो साइन है वट जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन बाई टू रहेगा, एप्सिलॉन बाई टू प्लस मोड के अंदर है एफ जेड नोट एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई टू यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा मोड ऑफ जी जेड प्लस। अब बच्चों देखो, हो सकता है ये 2 के इक्वल ना हो, लेकिन कोई भी फाइनाइट वैल्यू ही होगी, अगर उसको मैं एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कोई नई वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन डैश, क्योंकि एप्सिलॉन एक नेगलेक्टेबल वैल्यू है, नेगलेक्टेबल वैल्यू यानी अप्रोक्सीमेट 0। तो जैसे आप सब जानते हो 0 को कोई भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करो, अब मोड है, अब कोई फाइनाइट नंबर कैसे है, तो ये मोड है। ठीक है, मोड ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड है, तो आपको पता है कोई ना कोई फाइनेट वैल्यू ही होगी, कितनी भी हो, और फाइनेट वैल्यू को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या रिजल्ट आता है, 0। तो अगर अप्रोक्सीमेट 0 है तो अप्रोक्सीमेट 0 ही बनेगा, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा तो उसको मैं एप्सिलॉन के बजाय एप्सिलॉन डैश मान लूँ, तो ये भी सिद्ध हो गया। इसका मतलब ये वो दोनों फंक्शन जेड नोट पर कंटिन्यूस है। अब बताइए स्टूडेंट, कोई दिक्कत है क्या, टॉपिक समझ आया नहीं आया, यदि समझ आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर हुई प्रोसेस, तो आगे बढ़े, आइए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रांत मोड जेड लेस देन वन। क्वेश्चन है, आपको डोमेन दे दिया कि मोड जेड लेस देन वन, मोड जेड लेस देन वन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बता सकता है क्या, सोच सकते हो क्या, मोड जेड लेस देन वन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस वन होगी, लेकिन मोड इक्वल टू वन होता तो लेस देन वन है, तो ये उन पॉइंट को बता रहा है, मोड जेड लेस देन वन ये उन सभी पॉइंट को बता रहा है जो इस सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर नहीं है, ये स्टूडेंट उन सभी पॉइंट को बता रहा है जो इस सर्कल के ऊपर है, अंदर नहीं है। ठीक है, तो आगे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वेयर, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वेयर एक समान संतत है, यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, जबकि एफ जेड सॉरी वन बाई जेड इसके अंदर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। अब आपको ये सब देखने से पता कैसे चला, क्योंकि यदि मोड जेड लेस देन वन इसके अंदर जब आप दो पॉइंट लोगे, आप कोई भी दो पॉइंट लो, कोई भी दो
पॉइंट लीजिए, जो इनका डिफरेंस होगा वो हमेशा वन से लेस होगा, होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो मैंने क्या बताया था कि यदि आप कोई दो पॉइंट लेते हो, एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू लेते हो, आप कहोगे वन से लेस कैसे होगा, क्योंकि इनके जो मोड की वैल्यू है वो लेस देन वन है। भाई जेड स्क्वायर को आप मोड जेड का स्क्वायर भी कर सकते हो, सॉरी वो तो नहीं किया जा सकता, जेड स्क्वायर तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई टेक्स वाई। यानी आप देखोगे जैसे कोई भी जो डिस्टेंस है वो वन से लेस, और वन से लेस का जब भी आप स्क्वायर करोगे, जैसे डिस्टेंस के केस में अगर हम आते हैं तो वो और छोटी होगी, लेकिन वन के डिवाइड में ये दो पॉइंट पास पास ले लूँ तो उनको वन के डिवाइड में लेते ही वो जीरो के पास जाएगा, समझ गए। तो चलो सिद्ध करते हैं इसको। हमें चाहिए कि इसके ऊपर मैंने दो पॉइंट ले लिए जेड वन और जेड टू, ठीक है। मैं ये मान रहा हूँ कि जेड वन माइनस जेड टू लेस देन डेल है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई दो पॉइंट ले लिए जेड वन और जेड टू, और उसके लिए मैंने ये मान लिया कि ये लेस देन डेल है। तो मुझे अब ये सिद्ध करना होगा, मुझे अब क्या सिद्ध करना है, मुझे ये सिद्ध करना होगा कि जो वैल्यू है, ठीक है, यानी एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू लेस देन, यदि मैं एप्सिलॉन सिद्ध कर दूं, मुझे सिद्ध क्या करना है कि भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसके जो डोमेन है कि मोड जेड लेस देन वन डी के अंदर कोई दो पॉइंट ले लिए मैंने, इनको इतना पास मिले कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डेल से छोटा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सिद्ध करना है कि एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू यदि लेस देन एप्सिलॉन है तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, अदरवाइज ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है नहीं है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड वन स्क्वेयर माइनस जेड टू स्क्वेयर, इसको आप क्या लिखोगे, जेड वन माइनस जेड टू और जेड वन प्लस जेड टू, ये क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दो, तो जेड वन माइनस जेड टू का मोड और जेड वन प्लस जेड टू का। इसको भी यदि मुझे जेड वन माइनस जेड टू में कन्वर्ट करना हो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जेड वन माइनस जेड टू प्लस टू जेड टू, अलग अलग कर दो तो लेस इक्वल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो बताइए स्टूडेंट इतनी बात आप सभी के समझ आई या नहीं है, या कोई डाउट है तो बता सकते हो, इतनी बात क्लियर है, या तो ये बना लो, या फिर यदि आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी याद हो, क्या स्टूडेंट मैं बात लिख रहा हूँ वो पॉसिबिलिटीज है क्या, क्या ये ऑलवेज लेस इक्वल, तो इतना एक बार देखो। अब आप स्टूडेंट सब इसके ऊपर फोकस कीजिए, आप सब इसके ऊपर फोकस कीजिए जो मैंने यहां लिखा है, मोड ऑफ जेड टू क्या होगा। मैंने भी सबसे पहले आप ये देखो, मैंने जेड टू लिया कहाँ, मैंने जेड टू को कहाँ लिया है, मैंने जेड टू को इस सर्कल के अंदर लिया है, तो यानी मैं यहाँ से मोड ऑफ जेड वन कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, यानी यस और नो, हाँ या ना, ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो यदि मैं इसकी जगह वन यूज करूँ, यदि मैं इसकी जगह क्या यूज करूँ, मोड जेड टू की जगह वन यूज करूँ, तो यहाँ पे इक्वल हटकर सिर्फ लेस का साइन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बस समझ आ रही होगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड वन माइनस जेड टू का मोड जेड वन माइनस जेड टू प्लस से टू, इनकी जगह डेल यूज करूँ तो हो जाएगा डेल डेल प्लस से टू। तो थोड़ा सा स्टूडेंट इसको ऊपर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल स्केयर प्लस से टू डेल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
और डेल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन डेल, तो डेल प्लस टू डेल, तो ये क्या हो जाएगा 3 डेल। तो अब यदि मैं 3 डेल को एप्सिलॉन के इक्वल मान लूं, तो डेल क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 3, यानी इस केस में ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो देख लीजिए सिद्ध हो गया, यानी अब मैं आसानी से बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ कि दिया गया फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। बस में जाइए नहीं, तो रिपीट कर देता हूँ एक बार, जिससे टॉपिक आपके अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन एक क्वेश्चन स्टूडेंट ये था कि आपको एक क्वेश्चन फंक्शन दे दिया एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वेयर, और एक अदर फंक्शन दे दिया एफ जेड इक्वल टू 1/z, और आपको ये प्रूव करना है। आपको प्रूव क्या करना है, आपको ये सिद्ध करना है कि जो इसका डोमेन मोड जेड लेस देन 1, यानी इस सर्कल के अंदर यदि मैं एक ऐसा सर्कल बनाता हूँ जिसकी त्रिज्या 1 है, उसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब इसके डोमेन में है, तो इस डोमेन में ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। तो आपको जो डेफिनेशन बताई थी वो ये बताई गई है कि यदि z1 - z2 लेस देन डेल हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग fz1 - fz2 भी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। तो मैं इसको लिया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग z1² - z2² a - b a + b गुणा में मोड में है, तो अलग अलग भी मोड में आ जाएंगे, ये ऐसे कैसा। इसको मैंने क्या किया, z1 - z2 में कन्वर्ट किया, तो मैंने z1 माइनस कर दिया और z2 प्लस कर दिया, ठीक है, तो 2z2 नहीं हो जाएगा। अब इसको जो मैं अलग अलग मोड में लिखूंगा तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, लेस इक्वल। अब ये इससे प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम थी मोड ऑफ z2, लेकिन सबसे पहले आप ये देखो हमने मोड ऑफ z2 लिया कहाँ से है, इसके अंदर से तो लिया है, तो यदि इसके अंदर से मैं कोई भी पॉइंट लूँगा उसका मोड हमेशा लेस देन 1 होगा या नहीं होगा, तो उसका मोड हमेशा लेस देन 1 होगा। मोड लेस देन 1 होने की वजह से यदि मैं इसकी जगह 1 यूज करता हूँ, यदि मैं इसकी जगह 1 यूज करता हूँ तो यहाँ से इक्वल का साइन हट जाएगा, यहाँ से सिर्फ लेस देन का साइन आ जाएगा, और ये डेल और ये 2 1 2 यानी लेस देन रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। मल्टीप्लाई किया कि तो डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल हो गया, ये हो गया डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल हो गया। अब आप जानते हो कि डेल स्क्वायर भी एक बहुत मिनिमम राशि है, तो उसका स्क्वायर तो हमेशा ही कम ही होगा स्क्वायर करने पर, तो वो डेल से ही छोटा हो जाएगा, तो उसकी जगह मैं फिर डेल यूज कर लेता हूँ, तो डेल प्लस 2 डेल हो गया 3 डेल। तो यदि मैं 3 डेल को क्या मान लूँ, एप्सिलॉन मान लूँ, 3 डेल को क्या मान लेता हूँ, यदि मैं एप्सिलॉन मान लेता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा कि डेल इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 3, यानी डेल एप्सिलॉन से छोटा हो गया और दिया गया फंक्शन हो जाएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। तो फिर मैं एक बार हट जाता हूँ इस प्रोग्राम से, देख लो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। लियो स्क्रीनशॉट, तो ये बच्चों बस में जाइए नहीं, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, तो बस थोड़ा सा बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डोमेन आपको याद रखना है और इसको कैसे ना कैसे हटाना है, क्लियर। तो इस तरीके से जो 1/z होगा वो आप कर सकते हो क्या, जो f=1/z होगा वो कर सकते हो क्या, किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। देखो कैसे इसी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, बुक में आपकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी इससे अलग दिखेगी आपको, लेकिन हम सिंपल प्रोसेस से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, ज़्यादा इसको खुद पे हावी होने नहीं देते हैं, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखना। आगे बढ़ते हैं, इसी का जो f(1/z) है उसके ऊपर आते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन था कि यदि मैं इसकी जगह ये लेता हूँ, यहाँ पे जो दो बातें लिखी हुई थी वो आपको याद रखनी है, वापस काम आएगी, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, तो ये रहेगा z2 - z1। अब मोड के अंदर है तो z2 - z1 कर दो या z1 - z2 कर दो, बात तो एक ही है, और वैसे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस उनके बीच की दूरी को ही तो बताता है, आपको बताई गई ये बातें भी, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, उनके जो डिफरेंस का मोड होगा वो उनके बीच की दूरी को ही बताएगा, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट इसको लिखा जा सकता है मोड ऑफ z1 - z2 अपॉन मोड ऑफ z1। अब स्टूडेंट जो मेरा क्वेश्चन आपसे है वो कुछ ऐसा, थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, 1/2 की वैल्यू क्या होती है,
0.5, 1/4 की वैल्यू। कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि ये मैं नीचे वाली संख्या को बढ़ाता हूँ, यदि मैं नीचे वाली संख्या को बढ़ाता हूँ तो जो मेन आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बस समझ आ रही है, यस और नो हो जाएगा। या कहने का अर्थ क्या हो जाएगा कि तब जो रिजल्ट है पहले वाले रिजल्ट से सदैव क्या होगा, बड़ा। तो यदि मैं इन दोनों की जगह 1 यूज कर लूं, यदि मैं इन दोनों की जगह 1 यूज कर लूं तो ये मच ग्रेटर देन Z1 - Z2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बस समझ आई। यदि मैं इन दोनों की जगह 1 यूज करूं, यानी मैंने नीचे वाली संख्या को बड़ा कर दिया, तो तब ये जो आंसर आएगा वो पहले वाले से क्या आएगा, छोटा आएगा, बस समझ आई। भाई जब मैंने यहाँ पे नीचे वाली संख्या को बड़ा करके डिवाइड किया, ऊपर वाली वही रखी, तब जो नया आंसर आया वो पहले वाले से क्या है, छोटा। तो जब मैं इन दोनों की जगह 1 यूज करूँगा तो पहले वाला आंसर क्या आएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो लेकिन होना क्या चाहिए, लेस। तो ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, यानी ये क्या हो जाएगा फिर, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, मच ग्रेटर देन हो रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन होने की वजह से, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए आपको पढ़ना होता है लेस देन एप्सिलॉन, कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या पढ़ना होता है, लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन ये तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो यहाँ से स्टूडेंट आपका जो क्लियर रिजल्ट हो जाएगा कि दिया गया जो फंक्शन है वो यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, बस समझ आइए। नहीं, ऐसे रिजल्ट डायरेक्टली बन गया कि जो दिया गया फंक्शन है वो यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, देखने से पता चलता है, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा ही नहीं, क्लियर हुआ, बस समझ आई। सिंपल सी प्रोसेस है ना, ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। तो ये बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पीछे वाली नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड है आपका, कुछ अलग नहीं है। तो जो आज के जो क्वेश्चन हमने जो भी किए हैं उनमें सब आपके बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए एक चीज़ और करते हैं, एग्जांपल आपकी बुक का स्टूडेंट, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो वो आपके लिए देगा 7 एग्जांपल नंबर, ठीक है। मैं बुक के कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर का, प्रूव दैट मोड ऑफ e^z = e^x, ठीक है, एंड बी है e^iz, बी पार्ट है इसका e^iz = हमें प्रूव करना है इसका जो मोड होगा वो होगा e^-iy। चलो करते हैं, सर एक पार्ट करवा रहा हूँ वो देखो, e^z जो है आप सब जानते हो, जेड को यदि मैं x+iy की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये बन जाएगा e^x·e^iy, ये सुनो बन जाएगा ये नहीं, ठीक है। और e^iy को मैं लिख सकता हूँ cos y + iota sin y, लेकिन हमें चाहिए e^z का मोड, यानी मोड ऑफ e^x+iy, यानी मोड ऑफ e^x·e^iy, यानी मोड ऑफ e^x·cos y + iota sin y। अब आप सब जानते हो मोड ऑफ cos y + iota sin y क्या होगा, तो इसको आप लिख सकते हो रूट के अंदर cos²y + sin²y, और ये आपका कितना होता है, 1 होता है या नहीं होता, तो ये 1 होता है, तो ये मोड हो जाएगा 1, तो आ जाएगा e^x·1, तो इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ e^x·1।
एक्स। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, कितना सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, सिंपल सही है। तो देखो जब इस तरीके क्वेश्चन आए तो आपको ये करना है, ई की पावर जेड दिखने का मतलब क्वेश्चन ईजी है। सबसे पहले आप क्या करो, उसको ई की पावर जेड को एक्स प्लस आइटा वाई लो, फिर ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर आइटा वाई, और ई की पावर आइटा थीटा आप जानते हो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है, और उस रूल के अकॉर्डिंग इसके सोल्व करो। आइटा जेड क्या होगा, ई की पावर आइटा जेड को यानी एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ई की पावर आइटा एक्स ई की पावर माइनस वाई। तो यहाँ पे तो ये आइटा नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो जब आप इसका मोड लोगे क्या आ जाएगा, इसका मोड ए की पावर आइटा एक्स का मोड, ए की पावर माइनस वाई का मोड, तो ये तो ए की पावर माइनस वाई रहेगा और ये हो जाएगा वन, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन समझ आया नहीं है, क्लियर हुआ? तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो आपका इस जो प्रश्नावली है उसी के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है जल्दी से जल्दी आपके कंटिन्यूटी टॉपिक को कंप्लीट करके डिफरेंशिएबिलिटी यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन है सम्मिश्र अवकलन के ऊपर आए, जो कि एक थोड़ा लेंथी टॉपिक ही है, और उसके बाद फॉर्मूले मैपिंग, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, बाकी आप सिर्फ इसके बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग रखिए, बाकी इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, क्लियर है। तो बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद, और कोई डाउट हो तो वो जरूर पूछते रहिए।